हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल परफेक्ट मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति। इसके जितने भी टाइप्स होते हैं, जितनी भी शेप्स होती हैं, उनके एरिया, पैरामीटर हम सब करेंगे। ये पार्ट वन है। पार्ट वन में मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पार्ट टू में हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। पार्ट थ्री में हम बची हुई शेप जैसे सर्कल हो गई, कोन हो गई, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड्स, इन सब के फॉर्मेट करेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल या फिर आयत, ये क्या शेप होती है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें देखने की जरूरत है कि इसके अंदर ये क्या है। फोर साइड्स हैं, आपको दिख रही हैं, फोर साइड्स हैं। अब जो देखिए, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसे बोलते हैं लेंथ, और इसे बोलते हैं ब्रिथ, या फिर कई जगह इसको विड्थ भी बोला जाता है। अब देखिए, शिप शेप के ये होते हैं फोर कॉर्नर, या फिर इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब देखिए, ये फोर साइड्स हैं तो इसे रेक्टेंगल ही क्यों बोलते हैं। तो देखिए, रेक्टेंगल बोलने का कारण एक और चीज होती है, इनके जो एंगल्स होते हैं, ये सारे के सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री। ये एंगल हो गए 90 डिग्री। उसके बाद देखिए, जो अपोजिट साइड्स, मतलब रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, वो होती हैं हमेशा इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां पर देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अगर ये 10 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 10। अगर ये होगा 8 तो ये भी हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए, ये अपोजिट साइड्स विड्थ, ये भी हो गई इक्वल, मतलब अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। तो देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके फॉर्मूले। रेक्टेंगल मतलब आयत। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल। लेंथ इंटू विड्थ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए, इस शेप के अंदर एरिया क्या होगा। एरिया देखिए, ये आपको इसकी बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री के सराउंडेड देखिए, ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है जिसे मैं अभी ये शेडेड कर रहा हूं, इसे बोलते हैं एरिया, ठीक है। और एक टर्म आपको और देखने को मिलेगी यहां पर, पैरामीटर। पैरामीटर मतलब परिधि। इसको अगर हम सिंपली बोले कि मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट से चलकर मैं पूरी शेप के ऊपर चलकर वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप इज पैरामीटर, मतलब किसी भी शेप की जो परिधि है वो क्या हो जाएगी, उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ हो जाएगी, वो उसकी हो जाएगी परिधि या फिर पैरामीटर। इसका फॉर्मूला होता है 2 into length plus width। अब देखिए, अब चाहे आप ये फॉर्मूला लगाइए या फिर क्या करेंगे, यहां से एक लेंथ ऐड कीजिए, ब्रिथ ऐड कीजिए, लेंथ ऐड कीजिए और ब्रिथ ऐड कीजिए, ये ऐड करने पर आपके क्या आएगा, इसका पैरामीटर आएगा। लेकिन इजी करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूलास का। अब देखिए डायगोनल। अब डायगोनल क्या चीज होती है, मान लीजिए यहां पर आपको शेप दिख रही है, ये शेप है रेक्टेंगल। अगर मैंने इस वर्टेक्स को या फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया, अब जो आपको लाइन दिख रही है ए बी, ये ए बी लाइन कहलाती है डायगोनल। अब देखिए, डायगोनल का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसका होता है अंडर रूट। तो अब देखिए, एक और शेप देखते हैं, स्क्वायर। अब देखिए, कुछ सिमिलर शेप लग रही है आपको, इसके अंदर भी साइड्स फोर हैं, फोर साइड्स हैं, फोर ही कॉर्नर हैं, तो इसको स्क्वायर और उसको रेक्टेंगल क्यों बोला गया। देखिए, मैंने रेक्टेंगल के अंदर आपको बताया रेक्टेंगल की शेप कुछ ऐसी थी, इसके अंदर क्या था, जो अपोजिट साइड थी वो थी इक्वल। लेकिन अपोजिट का मतलब जो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, ये आमने सामने थी, ये इक्वल थी। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता। स्क्वायर में क्या होता है कि सभी की सभी जो साइड्स होती हैं
वो होती हैं इक्वल। एरिया की अगर डेफिनेशन लेंगे तो एरिया तो वही रहेगा, इस बाउंड शेडेड पोर्शन दिख रहा है जो आपको इस बाउंड्री के अंदर, ये उसका एरिया ही कहलाएगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री पेरिमीटर ही कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके भी फॉर्मूलास कैसे होंगे। फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्क का क्षेत्रफल, वर्क का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, मतलब भुजा का, भुजा इंटू भुजा, साइड को क्या बोलते हैं हिंदी में, भुजा। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। उसके बाद देखिए, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं हम, साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब 4 टाइम्स अगर हम साइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 इंटू साइड ही आएगा। और डायगोनल, डायगोनल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मान लीजिए ये स्क्वायर है, अगर इन दोनों वर्टेक्स को, इन दोनों कॉर्नर्स को हम मिलाते हैं तो जो ए बी आपको दिख रहा है ये है डायगोनल, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विद पेरिमीटर 128 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको यहां पर हमें दे दिया पेरिमीटर, और पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 128 के। तो यहां से हम क्या करेंगे, 4 यहां पर मल्टीप्लाई में, यहां चला जाएगा डिवाइड में, तो साइड इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 से जाएगा 32 टाइम्स। और एरिया ऑफ स्क्वायर मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो होता है साइड इनटू साइड, मतलब 32 का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे 32 का, स्क्वायर करने पर आपका आंसर आ जाएगा 1024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 243 स्क्वायर मीटर एंड द लेंथ इज 27 मीटर, व्हाट इज द विड्थ। अब देखिए, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए देखो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेंथ इनटू विड्थ, एल इनटू डब्ल्यू लिख लो, या फिर इसको आप बी भी लिख सकते हो। अब देखिए, हमें गिवन है एल इंटू जो बी है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 243, और लेंथ भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ गिवन है 27। अब देखिए, लेंथ यहां पर मल्टीप्लाई में, वहां हो जाएगी डिवाइड में, तो बी इज इक्वल टू 243 इज डिवाइडेड बाय 27, और यहां से ये जाएगा 9 टाइम्स, और आपका आंसर आ गया 9 मीटर्स। तो समझ में आया, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विद पेरिमीटर 56 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आप इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द पेरिमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर एंड विड्थ। अब देखिए, आपको ब्रिथ और लेंथ दोनों दे दिए हैं यहां पर। अब देखिए, लेंथ कितनी है 17 सेंटीमीटर, ब्रिथ है 13 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ। अब 2 इंटू लेंथ की वैल्यू 17, ब्रिथ हो गया 13, इनको ऐड किया तो 2 इंटू 30, मल्टीप्लाई किया तो 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक चीज आपको और ध्यान देनी है, पैरामीटर की यूनिट होती है वो सिंगल यूनिट होती है, क्योंकि पैरामीटर भी तो एक लेंथ होती है, और लेंथ को हमेशा सिंगल यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, लेकिन एरिया की वैल्यू हमेशा क्या होती है, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ये हमेशा इसका आंसर स्क्वायर में आएगा। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इनटू ब्रिथ, लेंथ हो गई 17 और ब्रिथ हो गई 13, मल्टीप्लाई किया 221 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।